मैं दामोदर धनंजय चौधरी, कक्षा छठी। सन्माननीय व्यासपीठ, मेरे गुरुजन और मेरे दोस्तों को आज मैं हिंदी भाषा दिन मनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ और इस उपलक्ष्य में दो शब्द कहने की अनुमति चाहता हूँ। माता की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। माता की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। सन 1949 में हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय संविधान ने लिया। सन 1953 में यह प्रकाशित किया गया कि 14 सितंबर यह दिन राष्ट्रभाषा हिंदी दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, यह हमारी राष्ट्रभाषा तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी बोली जाती है। दोस्तों, इस भाषा के जरिए हम कई अन्य देशों से वार्तालाप कर सकते हैं। व्यापार, संस्कृति, सामाजिक के कारण हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हिंदी भाषा का होना हमारे लिए वरदान है। 14 सितंबर, इस दिन देश भर में हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश को रुख कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए, साथ ही में अपनी हिंदी भाषा का सम्मान भी करना चाहिए। हम हमारे देश में अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं। और हम ही अपनी हिंदी भाषा को वह सम्मान नहीं दे पाते जो भारत और देश में भाषा के प्रति हर देशवासियों की नजर में होना चाहिए। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है गुम हो रही हिंदी भाषा को बचाने का एक प्रयास। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि भारतीय एकता की राष्ट्रीय प्रतीक और भारतीयों की पहचान भी है। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी यही है अभिलाषा। हिंदी जिसका नारा है, हिंदी जिसका नारा है, वह भारत हमको प्यारा है, वह भारत हमको प्यारा है। जन जन की आशा है हिंदी, जन जन की आशा है हिंदी, अपने हम अपने भारत की भाषा है हिंदी। हिंदी का सम्मान करे, हिंदी का सम्मान करे, दुनिया भर में नाम करे, दुनिया भर में नाम करे। हिंदी हिंद देश के वासी है हम, हिंदी देश के वासी है हम, हमारी पहचान है हिंदी, हमारी पहचान है हिंदी। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है, देश का अभिमान है। शांत मन से आपने मेरे दो शब्द सुन लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, धन्यवाद।